आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने वर्डप्रेस के अंदर बिना किसी प्लगइन के अपने होम पेज के लिए, मैं सिर्फ होम पेज की अभी बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, आप उसके अंदर टाइटल कीवर्ड और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पोस्ट या पेजेस के अंदर ये सब चीज़ें ऐड करनी है तो उसके लिए आपको योस्ट SEO प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी या और भी कोई प्लगइन आप यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैं कोई रिकमेंड नहीं करता। पर मैं आज आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आप अपने होम पेज के अंदर, पोस्ट के अंदर और पेजेस के अंदर आप अपने कीवर्ड्स को टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स ब्लॉगर के अंदर भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं, मैं आज आपको उसकी भी टेक्निक बताऊंगा। वैसे तो ब्लॉगर से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं, पर आज मैं वर्डप्रेस को कवर कर रहा हूं तो उसके साथ साथ मैं एक ही टॉपिक में ब्लॉगर का भी कवर कर दूंगा। एक महीना पहले मैंने ये वीडियो बनाया था मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल और URL से रिलेटेड, इसके अंदर कुछ मैंने SEO सीक्रेट्स बताए थे। ये चीज़ आपके साथ कोई भी नहीं शेयर करेगा, पर मैंने आपके साथ शेयर करी थी। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेंड्स आपके लिए आज के वीडियो को समझने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है गूगल के अंदर रैंक करने में, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और आज की जो मैं डिटेल्स बताऊंगा फ्रेंड्स बिना किसी प्लगइन के बताऊंगा, सिर्फ होम पेज की मैं बात कर रहा हूं, पेजेस और पोस्ट के लिए मैं योस्ट SEO प्लगइन को यूज़ करूंगा। ये सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में चल के बताऊंगा, पर उससे पहले मैं हमेशा की तरह एक बात बोलूंगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्डप्रेस की पेजेस और पोस्ट के अंदर आप कैसे योस्ट SEO प्लगइन यूज़ करके अपने टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने डैशबोर्ड में जाना है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो सर्च बार में आपको योस्ट लिखना है और ये प्लगइन शो करने लग जाएगा। यहाँ मेरा एक्टिव है क्योंकि मैं इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर चुका हूँ। आपके यहाँ पे इंस्टॉल नाउ लिखा आ रहा होगा अगर आपने इसे एक्टिवेट नहीं करा। इसका बेनिफिट क्या होता है, जब भी आप न्यू पोस्ट या पेज लिखते हैं फ्रेंड्स, उसके सबसे नीचे ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है, मतलब शो करने लगता है। अब आपका जो मेन कीवर्ड है उस कीवर्ड को आप यहाँ पर डालेंगे जिससे रिलेटेड आप पोस्ट लिख रहे हैं। मैंने SEO से रिलेटेड पोस्ट लिखी है तो मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो कीवर्ड मेरा यहाँ पे डलेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पेजेस और पोस्ट की, यहाँ पे मेरा कीवर्ड डलेगा और यहाँ से आपने पेज को नीचे करना है। यहाँ पे आप देखेंगे एडिट स्निपेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्रेंड्स आपको टाइटल की ऑप्शन मिलेगी जो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है। उसके बाद नीचे आपको स्लग की ऑप्शन मिल रही है, ये URL होता है परमालिंक, इसके अंदर आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए, स्टॉप वर्ड्स नहीं आने चाहिए। और यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आप अपनी पोस्ट या पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जिसके अंदर आपका कीवर्ड आना चाहिए। और फ्रेंड्स जैसे ही आप देखेंगे यहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिखूंगा तो नीचे इसका कलर चेंज हो गया इस बार का। और वैसे भी फ्रेंड्स अभी इंट्रो में मैंने आपको बताया कि एक वीडियो आप जरूर देखें, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जिससे आपके लिए मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल को सिलेक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया पेजेस और पोस्ट का कि योस्ट SEO प्लगइन किस तरह से हेल्प करता है। एडिट स्निपेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे मेरे जो SEO एनालिसिस है यहाँ पे मेरी गुड रिजल्ट आ रहा है, मतलब कि 14 के 14 मेरे जो रिजल्ट है एनालाइज जो इस योस्ट SEO प्लगइन ने करा है वो सारे करेक्ट है। इसमें से कोई भी ऐसा मेरा प्रॉब्लम नहीं शो कर रहा कि मेरे इस SEO में, मतलब इस पेज के SEO में कोई प्रॉब्लम आई हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे होता है तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा फ्रेंड्स, ये सेकंड नंबर पर जो वीडियो है 2 दिन पहले ही बनाया है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें जिससे आप ऑन पेज SEO कर सकते हैं और अपनी कीवर्ड की प्लेसमेंट कर सकते हैं। प्लस मैंने कल ये वीडियो बनाया था अगर आपके पास कोई हिंदी वेबसाइट है तो फ्रेंड्स उसकी कीवर्ड रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं, तो इन दोनों वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करें। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस के होम पेज को किसी भी प्लगइन के यूज़ करे बिना मेटा डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स और टाइटल को कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अपीयरेंस की ऑप्शन है और सबसे नीचे लिखा हुआ है थीम एडिटर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। पेज ओपन होने के बाद आपको कंट्रोल F प्रेस करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है हेडर, यहाँ से आपको header.php को सर्च करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है header.php, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक दूंगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज में आएंगे। यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है, जो भी आपकी वेबसाइट है यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे, मैंने टेक्नो वेदांत लिखा। यहाँ लिखा है साइट डिस्क्रिप्शन, आपको अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है पर उसके करेक्टर्स 150 होने चाहिए। 150 करेक्टर्स होने चाहिए पर फ्रेंड्स उसमें आपको पिक्सल्स का भी ध्यान रखना है, और वो पिक्सल्स का आपको कैसे पता लगेगा, मैंने उसी से रिलेटेड ये वाला वीडियो बनाया था जो मैंने इंट्रो में भी बताया, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें नहीं तो आप पिक्सल्स को मिस कर देंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी, यहाँ पे टाइटल लिख दिया, अब यहाँ पे आपको अपने कीवर्ड्स देने हैं, जिससे भी रिलेटेड आपकी वेबसाइट है उसके आप यहाँ पे कीवर्ड्स देंगे। और आपको इसने एग्जांपल भी दिखाया कि हर कीवर्ड के बाद कॉमा आना चाहिए और स्पेस आनी चाहिए। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2-3 कीवर्ड लिखे, आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से यहाँ कीवर्ड दे सकते हैं। यहाँ नीचे एक ऑप्शन आ रही है अलाउ रोबोट्स टू इंडेक्स योर वेबसाइट, इसको आप येस रहने देंगे, इसको भी येस रहने देंगे। सेम आपने इन तीनों सेटिंग्स में से किसी को नहीं छेड़ना। यहाँ से आपने अपनी वेबसाइट की लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, अगर आपकी वेबसाइट हिंदी में है तो हिंदी को सिलेक्ट करेंगे,
नहीं तो आप इसे इंग्लिश रहने दे। यहाँ पे आपको ऑप्शनल मेटा टैग्स के दो पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है सर्च इंजन शुड रीविजिट दिस पेज आफ्टर। अगर आप चाहते हैं कि गूगल के रॉबोट्स आपके पास हर 10 दिन में आए, हर 15 दिन में आए, तो यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं कि एवरी 15 डेज में आपकी वेबसाइट के अंदर गूगल के बॉट्स रीविजिट करें। अगर देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें। यहाँ नीचे ऑप्शन है ऑथर की, देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टेक्नो वेदांत लिखा, ऑप्शनल है, अगर देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप रहने दें। और यहाँ लिखा है जनरेट मेटा टैग्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास मेटा टैग आ गया, नीचे लिखा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करा और ये मेटा टैग आपका कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है और यहाँ पे आप देखेंगे हेड लिखा हुआ है, हेड टैग, इसके नीचे आपने उस कोड को पेस्ट कर देना है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप फ्यूचर में अपने टेम्पलेट को चेंज कर रहे हैं या इस टेम्पलेट की कोई अपडेट आ रही है, तो मैन्युअली आपको फिर से हेड टैग के नीचे ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। मैंने अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक करा। आप इस कोड को अपने नोटपैड के अंदर ज़रूर सेव करें कि फ्यूचर में अगर आपको फिर से इस कोड को ऐड करना पड़े, टेम्पलेट की अपडेट आ गई या आपने टेम्पलेट चेंज करा, तो जस्ट आप कॉपी करेंगे और वहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने वर्डप्रेस के अंदर पेजेस, पोस्ट और होम पेज की जो मेन पेज होता है उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और टाइटल इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए अपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसको डिलीट कर दिया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स रैंडमली इसने मेरी कोई भी मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। पर अब जो मैंने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को आपके सामने ऐड करा है, 2 या 3 दिन के अंदर यहाँ पे वो शो करने लग जाएगी। हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, पर अब जब चेंज होगा तो फ्रेंड्स ये वाली मेटा डिस्क्रिप्शन मेरी बिल्कुल भी शो नहीं करेगी, जो मैंने यहाँ पे जनरेट करी है वही वाली मेटा डिस्क्रिप्शन मेरी शो करेगी। अब मैं ये बताता हूँ आपको आप इसे ब्लॉगर के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल में जाना है, सर्च बार में ब्लॉगर SEO लिखना है। ये फर्स्ट वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं 3 महीने पहले मैंने इसे डाला था, इसके अंदर मैंने ब्लॉगर की सारी A to Z SEO सेटिंग बता रखी है। अगर आपने अभी ब्लॉग क्रिएट करा और उसका SEO नहीं करा तो ये वीडियो देख के आप उसका SEO ज़रूर करें। आपने अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है, सेटिंग्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अभी मैंने पोस्ट ओपन करी है, यहाँ पे आप देखेंगे आपको सिर्फ ऊपर एक ऑप्शन मिल रही है टाइटल की और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है लेबल्स की। यहाँ से आप अपना SEO फ्रेंडली परमालिंक बना सकते हो और ये सारा मैंने ऑन पेज SEO वाले वीडियो में सब बता रखा है जो मैंने अभी 2 दिन पहले अपलोड करा है। यहाँ पे आपको सर्च डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन नहीं मिल रही, मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन जो ब्लॉगर में हम अपनी पोस्ट के लिए ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको अपने सेटिंग्स में गए और यहाँ लिखा है सर्च प्रेफरेंसेस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे जो मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन है वो भी डिसेबल है, यहाँ से एडिट करके येस करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, यहाँ पे आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे भी देखेंगे फ्रेंड्स मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स आपको मिल रहे हैं वो सिर्फ 150 मिल रहे हैं, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे ही मैं अपनी पोस्ट को रिफ्रेश करूँगा, यहाँ से मैंने लीव पेज के ऊपर क्लिक करा, आप देखेंगे यहाँ सर्च डिस्क्रिप्शन मेरी शो करने लग गई। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने यहाँ पे मेन कीवर्ड लिखने हैं डिस्क्रिप्शन में और आप अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ब्लॉगर के अंदर आप अपने कीवर्ड्स के साथ अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अपने टाइटल को लिखेंगे और आप यहाँ पे एक लेबल देंगे। और आपका जो मेन होम पेज है उस होम पेज की जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आपकी सेटिंग्स के अंदर सर्च प्रेफरेंसेस में मेटा डिस्क्रिप्शन ये जो ऑप्शन है इसके अंदर जो भी मैंने एनेबल करा है, यहाँ पे मैंने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन दे दी। अगर आप इन सारी सेटिंग्स के बारे में, इन सारी ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि अब आप मेटा डिस्क्रिप्शन कीवर्ड और टाइटल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे ऐड कर सकते हैं। टाइटल नॉर्मली जो हम ऊपर टाइटल देते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, पर हमेशा यही बोला जाता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको बहुत जल्दी फिर से मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।